जोशी, एमपी न्यूज एक्सप्रेस से बड़ी खबर। आज जोधपुर जेल में बनी अदालत में आसाराम के खिलाफ सुनाया फैसला। अरे दुष्कर्म के आरोपी आसाराम पर फैसला आज होने वाला था, जिसमें आसाराम को दोषी करार दिया गया। आसाराम दोषी। 31 सितंबर 2013 में आसाराम को किया था इंदौर से गिरफ्तार। 1696 दिन से जेल में बंद थे आसाराम। आसाराम ने 12 बार जमानत की अर्जी दी, लेकिन सभी ट्रायल कर दी गई। इस दौरान 9 लोगों पर करवाया हमला और 3 गवाहों की कर दी गई हत्या। आसाराम को आज ही सजा मिलेगी, जिसमें कम से कम 10 साल या अधिक से अधिक उम्र कैद भी हो सकती है। आगे की खबर के लिए बने रहिए एमपी न्यूज एक्सप्रेस के साथ।